सुबह शाम जो है थोड़ा सा जैसे चला दे, चलाने वाला सुबह साथ चला के दूं के कर देती हूं। मैं एक लोगों को रख देंगे कमरा देख के अपने, हां तो अपना सारा काम भी करेगा, ये भी देखेगा, अपना भी कुछ कर लेगा जो करना दुकान में। चावल बना के बेचेगा तो उसका कितना बिकेगा। करने लगेंगे फिर कौन देखेगा। दूसरे को भी दिए थे जो बच्चे का प्रॉफिट तब अपने न रखे, कमरा घर आएगा तो एक किसी को रख लेंगे 4,000-5,000 देखभाल अच्छे से। अरे भाई काटते हैं सोते हैं तो हसिया है उसी से काट देंगे लोग बोल रहे हैं। काफी मस्त हो जाएगी काट भी देते लोग तो काट के डाल देते खा जाते हैं।
आपने गांव में बना है कि नहीं? गौ माता के लिए सरकार जो बनवा रही है, आपने ससुराल बना है कि नहीं? क्या गाय को रखने के लिए गौशाला? पता नहीं, अरे बाउंड्री कर करके अच्छे बनवा रहे हैं, बनवा रहे सरकार, लेकिन अब चारा पानी उतना ही हो ही नहीं पा रहा है। प्रधान जी लोग कहते हैं कहते हैं कौन पाप दे, अगर आपको छोड़ दे रहे हैं, जब फसल हो रही है तब दिक्कत हो रही है, चल जा रही है, सब बहुत काम कर रहा है। हमारे यहाँ तो बना है, हर गांव में चल रहा है, मायके में अभी लोगों का बड़ा परेशान है, लोग अब का करें, चार डंडा रोज वही है जिसका भाई किसान है, जोता है बोया है, अब रात में प्रधान जी छोड़ दे रहे हैं, प्रधान जी को सब प्रधान जी को है, हाँ प्रधान को सेवा करने के लिए उसे सरकार चारा पानी का पैसा दे रही है, ब्लॉक से वो आता है, लेकिन अब वो दे नहीं कर नहीं पा रहे हैं सब, इतना हैंडपाइप कहीं पे नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वही सब सुविधा रहेगी तो जो चारा पानी के लिए सरकार पैसा दे रहे तो वो अपना थोड़ो है, आधा दिया करके ये हैंडपाइप चला के पानी पिया हुआ जाए, पैसा तनख्वाह मिलो अपन पियो चाहे न पियो, यहाँ का आदमी आजकल का बिगड़ जांगर कर गया है। अब अपन गाय रहते हो कि दूध देवे के है, बिल्कुल वैसे ही है, अभी हुआ कि क्या अपन तो दूध देवे के तो बढ़िया से खियावा, पहले तो दूध देवे के पैसा सरकार देगी जो है,